आई होप आप सभी को ये विजिबल होगी स्क्रीन। यस मैम। ठीक है ओके। सो बेटा टुडे क्लास इज टू लॉन्ग, सो प्लीज लिसन इट टू केयरफुली। आज की क्लास में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारे टॉपिक्स आज की क्लास में रिवाइज कर लेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव टोल्ड यू ना कि व्हाट इज वेदर, मैंने आपको बताया था वेदर क्या है। डे टू डे कंडीशन है किसी भी एटमोसफेयर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। बेटा वेदर कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। वेदर चेंजेस आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। एलिमेंट्स क्या है वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। कम टू द नेक्स्ट पेज। वेदर का, वेदर कैन बी हॉट, वेदर कैन बी हॉट, इट कैन बी कॉल्ड, इट कैन बी रेनी, इट कैन बी क्लाउडी, इट कैन बी विंडी एंड इट कैन बी ह्यूमिड। राइट, वेदर कैन बी हॉट, वेदर कैन बी कॉल्ड, वेदर कैन बी रेनी, वेदर कैन बी क्लाउडी, विंडी एंड ह्यूमिड। बेटा वेदर हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, रेनी भी, क्लाउडी भी, विंडी भी एंड ह्यूमिड। नेक्स्ट इज बेटा वेदर क्या है, व्हाट इज वेदर। वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी करता है ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, वेरी करता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे होता है बेटा कि मॉर्निंग में सनी हो सकता है वेदर, सडनली आपने देखा कि रेन हो गया एंड देन सडनली आपने क्या देखा, हैवी रेनफॉल होने लगा। राइट बेटा, किसी बच्चे ने अपने आपको अभी भी अनम्यूट किया हुआ, प्लीज अपना माइक चेक करें। सो हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो वेदर क्या है, ऑल डिपेंड ऑन हमारे जितने भी प्लान्स होते हैं, डेली एक्टिविटीज होती है, वो सारी किस पर डिपेंड करती है, वेदर पर डिपेंड करती है। इफ यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड फॉर एनी पिकनिक और गेम्स, सो ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर, एनी फैमिली फंक्शन, ट्रैवलिंग, एयरलाइन, रेलवेज, सो वी शुड नो कि व्हाट इज द वेदर आउटसाइड। ठीक है, तो ये सारे ही कंडीशंस किस पर डिपेंड करती है, वेदर पर डिपेंड करती है। कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वेदर आवर आवर का, डे टू डे का क्या होता है, वेरी करता है। क्लियर, आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ये क्या करता है, वेरी करता है। हु रिकॉर्ड्स वेदर, हु रिकॉर्ड्स वेदर, आई हैव टोल्ड यू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आई हैव टोल्ड यू ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ही क्या करता है, वेदर की रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड करता है। वेदर बेटा, वेदर की रिकॉर्ड्स को जो रिकॉर्ड करता है उन्हें हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। राइट, सो द डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा, जो डिपार्टमेंट डाटा कलेक्ट करता है, कौन से डाटा, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा, उसे हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया का है तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर। कौन कौन से एलिमेंट्स है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड, रेनफॉल एंड टाइम ऑफ सनशाइन एंड सनसेट। कम टू द नेक्स्ट पेज। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। वी हैव डिस्कस दीज ऑल आर इन द प्रीवियस क्लासेस। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को जो मेजर करता है इज नोन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। रेनफॉल को मेजर करने के लिए वी यूज रेन गॉज। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। राइट, तो रेनफॉल को मेजर करते हैं रेन गॉज से, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से, विंड स्पीड को हम मेजर करते हैं एनेमोमीटर से। आई होप आपको यहां तक सब क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर।
What is the difference between climate and weather? A single student who can tell me, who will give me the difference between the weather and climate? मैम कहना है वेदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और मैम क्लाइमेट मैम लॉन्ग टाइम पीरियड में चेंज होता है. वेरी गुड. जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है. क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग वो कांस्टेंट रहता है. हम एवरेज वेदर लेते हैं, एवरेज टेम्परेचर लेते हैं क्लाइमेट में. 25 से 20-30 ईयर्स तक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज नोन एज क्लाइमेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? चलो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को. नेक्स्ट इज देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ वेदर. एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ. प्लीज बेटा व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन देन यू हैव टू टेल, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ. द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट. इफ द टेम्परेचर इज हायर ऑफ एनी प्लेस दैट मीन्स क्लाइमेट इज हॉट. If temperature is high as well as there is a heavy rainfall, that means वहां पर क्या होगा? Climate hot है because of high temperature and humid है because of heavy rainfall. ठीक है, हमने कल discuss किया था राजस्थान का climate कैसा होता है, कश्मीर का कैसा है, केरला का कैसा है and north east states का कैसा है, right? Come to the next page. हाँ जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. Am I audible to all of you? हाँ जी. Weather is day to day condition, day to day changes in the atmosphere, and climate is the average weather condition of a particular place over a long time. Come to the next page. Climate and adaptation. कोई भी animals जो होते हैं वो अपने आप को कैसे adapt करते हैं according to the climate. हमने discuss किया था अपने 7 चैप्टर में पूरा कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स. जो भी क्लाइमेट होते हैं वहां के एनिमल्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है. और क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वो एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स है क्या डेवलप करते हैं, सर्टेन फीचर्स, कुछ सर्टेन फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जिससे वो सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव कर सके. और इनमें क्या होता है, द प्रेजेंस होता है इनमें स्पेसिफिक फीचर्स. बेटा ये जितने भी नोट, ये जो मैं आपको स्लाइड साथ दिखा रही हूँ, इसको बाद में प्रॉपर वे से आपको क्या करना है, दोबारा से रीड करना है सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. ठीक है, दीज आर द शॉर्ट नोट्स. जस्ट रीड इट, रिवाइज इट, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन? द कुछ स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं एनिमल्स में और हैबिट्स हो जाती हैं जो उन एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करती हैं कि वो सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव कर सके. दिस इज नोन एज अडेप्टेशन, राइट? सो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो एग्जाम में अगर आती है तो. कम टू द नेक्स्ट पेज, पोलर रीजन. आई हैव टोल्ड यू ना, पोलर रीजन इज देयर इज नॉर्थ पोल एंड एज वेल एज साउथ पोल. ठीक है बेटा, नॉर्थ पोल जो होता है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल होता है दैट इज नोन एज एंटार्कटिक रीजन. आई हैव टोल्ड यू दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो. किससे कवर्ड होता है? स्नो से. बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर. 6 मंथ तो सनसेट नहीं होता, 6 मंथ सनराइज नहीं होता, राइट? मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस. और ये एनिमल्स अपने आप को इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं क्योंकि इनके फीचर्स क्या होते हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. तो देखते हैं इनके फीचर्स के बारे में. तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर. देखो हमने पोलर एरियाज में किस किस के बारे में पढ़ा था. पोलर बियर्स के बारे में पढ़ा, पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा, और बहुत सारे बर्ड्स थे जो पोलर रीजन में थे लाइक सिबेरियन क्रेन्स. ठीक है,
तो वो भी क्या आते हैं, पोलर रीजन में वो वाले बर्ड्स आते हैं। तो देखो आर्कटिक रीजन हमारा कौन सा रीजन होता है, नॉर्थ पोल वाला, ठीक है। आर्कटिक रीजन आपका नॉर्थ पोल होता है, रिमेम्बर नॉर्थ पोल होता है जहां पर क्या पाए जाते हैं, पॉलर बियर्स। लिखा हुआ है इन आर्कटिक रीजन दैट इज नॉर्थ पोल, वहां पर पोलर बियर पाए जाते हैं, साउथ पोल पर पोलर बियर नहीं पाए जाते, ठीक है। और देखो पोलर बियर्स की अडेप्टेशन क्या होती है, इनकी व्हाइट फर होती है बॉडी पर। क्यों होती है व्हाइट फर, बताया था कि इट इज नॉट इजली विजिबल, जिससे वो स्नो बैकग्राउंड में विजिबल ना हो पाए। अपने आप को शिकार से बचाते हैं, प्रीडेटर से बचाते हैं, अपने फूड को इजली कैच कर पाते हैं, ठीक है। शिकारी होता है प्रीडेटर, प्रे होता है शिकार, अपने फूड को मतलब अपने प्रे को इजली कैच कर पाते हैं। सेकंड, उनकी बॉडी पर थिक फर होते हैं, ज्यादा फर होने की वजह से, हेयर होने की वजह से ये एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। थर्ड, लेयर ऑफ फैट बहुत ज्यादा होता है इनकी स्किन पर, जिससे ये एक्सट्रीम कोल्ड में भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का। इंसुलेटर होता है जो एयर को पास नहीं करने देगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में क्या विजिबल है, क्या विजिबल हो रहा है, देयर इज अ पोलर बियर, ठीक है। यहाँ एक पोलर बियर है और उसका जो फूड है वो क्या है, दिस वन, दिस वन इज द फूड ऑफ पोलर बियर, दिस इज नोन एज व्हाट, टेल मी व्हाट इज इट। पोलर पोलर बियर, सो यू कैन से दैट इट इज अ प्रे, प्रे है ना बेटा ये पोलर बियर के लिए, यस मैम ये प्रे है, ठीक है। तो यस यू कैन मैम, इजली सी इन द पिक्चर, व्हाट यू ऑब्जर्व इन द पिक्चर दैट पोलर बियर इज व्हाइट इन कलर एंड इट कैन इजली मर्ज विद द बैकग्राउंड। जो बाहर जो बैकग्राउंड है वो पूरा क्या है, व्हाइट है, और इजली इजली क्या हो जाता है, इसमें मर्ज हो जाता है, ठीक है। अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, हाइड कर लेता है। नेक्स्ट इसके अडेप्टेशन देखते हैं, बड़े और लार्ज पोज होते हैं इसके, जो स्नो पर इजली वॉक करने में हेल्प करते हैं। अच्छे स्विमर्स होते हैं ये, ठीक है। स्विमर होने की वजह से ये हॉट क्लाइमेट में भी अपने आप को क्या रखते हैं, कोल्ड रखते हैं, कूल रखते हैं। नेक्स्ट था रिमेन अंडर द वॉटर, एज यू नो कि ये ना काफी लंबे समय तक ना वॉटर में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अपने नोज स्ट्रिल को, जो नोज को काफी लंबे समय तक ये बंद कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और जो स्विमिंग होती है उसको हेल्प करती है किसके लिए, कूल रखने में। इनकी सूंघने की टेंडेंसी, स्मैल सेंस ऑफ स्मेलिंग इज वेरी फास्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे कैन इजली कैच देयर प्रे। देखो यू कैन सी इन द पिक्चर दे आर वेरी गुड स्विमर, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर दे आर वेरी गुड स्विमर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड दे कैन रिमेन अंडर द वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक घंटे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है अंटार्कटिक रीजन। आई हैव टोल्ड यू ना अंटार्कटिक रीजन आता है आपके साउथ पोल में। लुक एट द पोलर पेंगुइन्स, ये आता है आपके साउथ पोल में, और वो क्या किस में आते थे, आपके नॉर्थ पोल में। तो देखो साउथ पोल में ये क्या है, आपकी पेंगुइन्स है। इन पेंगुइन्स में आपने देखा ये सारे हडल में जलते हैं, हडल मतलब ग्रुप के अंदर, जिससे अपने आपको क्या रखें, वॉर्म रखें, इनको वॉर्म मिलती है जब ये वॉक करते हैं हडल में, क्लियर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं इनके अडेप्टेशन क्या है। पेंगुइन्स, बेटा पेंगुइन का पहला पॉइंट है, देख लीजिए व्हाइट और ब्लैक कलर है, इस वजह से वर्ड्स हो जाते हैं बैकग्राउंड में। इनकी स्किन कैसी होती है, थिक, ठीक है। थिक होने की वजह से क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। हडल में चलना मतलब ग्रुप में चलना, सो दे कैन कीप वॉर्म, दे आर गुड स्विमर्स। फोर्थ पॉइंट, दे आर गुड स्विमर्स, पोलर बियर की तरह ये भी अच्छे स्विमर्स होते हैं। नाउ टेल मी एनी वन स्टूडेंट हैव एनी डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, नो मैम, कोई भी डाउट है यू कैन रेज द हैंड, ठीक है। कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, यस मैम, कम टू द नेक्स्ट यस टॉपिक, मैम, ओके मैम, डाउट ओके है यस, बोथ पूछो बेटा। साउथ पोल
पोल के अंदर पोलर बियर नहीं होते? व्हाट? नो, साउथ पोल पर पोलर बियर नहीं होते, नॉर्थ पोल पर पोलर बियर होते हैं, साउथ पोल पर आपके पेंगुइन्स पाए जाते हैं. साउथ पोल इज नोन एज अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल इज नोन एज आर्कटिक रीजन. यू विल लर्न दीज ऑल इन डीपली इन योर ज्योग्राफी, राइट? नेक्स्ट आते हैं आप. यस हेलो, हाँ जी मैम, प्लीज म्यूट कर लीजिए मुझे कुछ से. हाँ जी, यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक. What is the difference between polar areas and tropical rainforest? What do you observe in polar areas and tropical rainforest? You can easily see na, in polar areas. आप क्या देख रहे हो polar area में? All around there is ice and snow. And what do you have observed in tropical rainforest? And what do you observe in tropical rainforest? Mem trees and sand. Yes, all around greenery. ठीक है, so you can see easily that there is a big difference between the temperature, between the atmosphere. In polar areas, there is a coldness and large ices and snow. In tropical rainforest, there is a variety of temperature. Because of variety of temperature, animals and birds and plants have different varieties. Okay? And there is a competition of food and shelter. Okay. Penguins ka discuss kar liya tha maine ye point. Okay. Now the next topic is migratory birds. Dekho beta, Siberian cranes yahan se aapki India mein aati hai. Kab aate Siberian cranes yahan se India mein? जब उसे वहां की कोल्ड क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, वो कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती. इन सर्च ऑफ फूड टू एस्केप हार्श एंड कोल्ड कंडीशन, उनसे बचने के लिए हॉट क्लाइमेट में आती है. इंडिया के कहां पर? इंडिया में भरतपुर है, उसके राजस्थान में एंड सुल्तानपुर हरियाणा में. ठीक है, और दोबारा वापिस चली जाती है जब वहां का विंटर कैसा हो जाता है, ओवर हो जाता है वहां पर. सिबेरियन क्रेन, तो यहां से एक सिंपल डेफिनेशन आती है. व्हाट इज माइग्रेशन? यू कैन इजली से इट इज अ सीजनल चेंजेस ऑफ द टेम्परेचर. सीजनल जो चेंजेस आता है जब एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दिस इज नोन एज योर माइग्रेशन. नाउ ये मैंने आपको कल क्लास में डिस्कस किया था ना, एनसीईआरटी बुक में जो ब्लू बॉक्स था, मैंने बताया था आपको कि बर्ड्स क्या करते हैं, 15,000 किलोमीटर तक क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. ठीक है, और बेटा ये बर्ड्स ट्रैवल करते हैं सेम प्लेस पर, सेम प्लेस पर ट्रैवल करते हैं हर साल, एवरी ईयर. और इनमें डायरेक्शन सेंस, ये बर्ड्स जो होते हैं, दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन. ये दूसरे बर्ड्स के लिए लैंडमार्क का काम करते हैं, ये यूज करते हैं लैंडमार्क्स दूसरे बर्ड्स को गाइड करने के लिए. जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए लैंडमार्क्स का काम करते हैं. और ये कैसे माइग्रेट करते हैं, ये सन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सन ड्यूरिंग द सन होता है तब वो माइग्रेट करते हैं, और स्टार्स नाइट होते हैं तब वो माइग्रेट करते हैं. और ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं अर्थ में डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. ठीक है, it is not compulsory that only birds can migrate. Mammals, insects also migrate. Right? Right, beta? Anyone? Okay. Come to the other polar animals and birds. There is a picture of other polar animals and birds. Reindeer, musk oxen, fox and seal. These are the animals which are found in polar regions. But tropical rainforest ka simply dobara hai kyunki it is very important topic because there is a variety of temperature. First to ye dhyan rakhna hai ki yahan ka temperature hot and humid hota hai.
टेम्परेचर कम कितना चला जाता है, कम से कम आप लगा लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस से कम कभी चला जाता है, 9 भी चला जाता है, लेकिन कभी भी टेम्परेचर यहाँ नेगेटिव नहीं जाता जिस तरह से पोलर रीजन में जाता था -37 डिग्री सेल्सियस। और हॉट समर में कब क्या कर जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। इन और बेटा डे एंड नाइट्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बहुत यहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कौन से प्लेसेस हैं, अंडमान निकोबार है, इंडिया के अंदर कौन सा है, वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया, साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये सारे कौन से रीजन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कंटिन्यूस वार्म गर्मी होने की वजह से और रेनफॉल होने की वजह से क्या करते हैं, वाइड वेराइटी होती है यहाँ पर एनिमल्स की और बर्ड्स की। देखो बेटा ये फिगर देख लीजिए, एक सिंपल सा बता रही हूँ, ये जो पूरा है ये पूरा क्या है आपका ट्रॉपिकल रीजन, ये पूरा क्या है ट्रॉपिकल रीजन। मैंने बताया था ना इक्वेटर पर ट्रॉपिकल रीजन होता है, दिस इज इक्वेटर एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, टेल मी। यस दीज आर पोलर रीजन, हाँ दीज वन इज आर दिस वन एंड दिस वन, टेल मी व्हाट इज दिस, दिस रीजन इज व्हाट, ट्रॉपिकल रीजन। यस ट्रॉपिकल रीजन राइट, यस मैम। हाँ जी बेटा यहाँ पर कुछ एनिमल्स बताए गए हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, मंकी, एप्स, गोरिला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इनमें क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं एनिमल्स की, इन एनिमल्स की फीचर्स है, इनके सुनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, शार्प आईसाइट होती है, स्किन बहुत थिक होती है और स्किन कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा मर्ज कर लेता है और अपने आप को किससे बचाता है, प्रीडेटर से। तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएगा कि क्या डिफरेंस है पोलर रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एनी वन स्टूडेंट टेल मी, अदरवाइज आई विल कॉल द नेम। Who can tell me the difference between tropical rainforest region and polar region? Only one difference. Ma'am, can I say? Hanji, ma'am, can I? Yes, ma'am, can I? Tell me your name first. Ma'am, Arjun. Ma'am, tropical. Arjun. First of all, Arjun will say. Arjun, just tell me what is the difference between tropical rainforest and polar region. Ma'am, tropical rainforest is more humid than. Your voice is not clear. Ma'am, tropical rainforest is more heat. Okay, Samiksha, you will tell. Samiksha, give me the answer. Yes, ma'am. मैम ट्रॉपिकल रीजन में हर जगह मैम काफी ग्रोथ होती है ट्रीज वगैरह की, जबकि मैम जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ कोई आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रीनरी नहीं मिलेगी ट्रीज वगैरह की, एंड एनिमल्स ज्यादा मैम इस तरीके से नहीं मिलेंगे ट्रीज पर रहने वाले, वहाँ पे ज्यादा एनिमल्स जो होते हैं उनके व्हाइट फर होता है एंड लार्ज पॉज होते हैं एंड फैट की लेयर भी होती है नीचे। मनन यस मनन बताइए। मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, whereas polar regions are cold. Polar regions are permanently covered with snow, whereas tropical rainforest has heavy rainfalls. Very good, Manan. Very good, Samiksha. Very good, Arjun. ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं रेड आई फ्रॉग पर। बेटा रेड आई फ्रॉग मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में समझाया था, सी द पिक्चर ऑफ रेड आई फ्रॉग। इसकी जो बॉडी है पूरी कैसी है, ग्रीन है,
ठीक है, ये जनरली कहाँ पर रहते हैं, लीव्स पर रहते हैं, और जो इसके पैड्स हैं, पैड्स मीन्स यहाँ मैं अंडरलाइन कर लू दिस वन, ये बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, ठीक है, जो इनकी फीट्स होते हैं इन पर स्टिकी पैड्स होते हैं, इस वजह से ये ट्रीज पर बहुत जल्दी क्लाइंब कर लेते हैं और बहुत जल्दी क्या करते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं ग्रीन लीव्स पे, अपने आप को हाइड कर लेते हैं ग्रीन लीव्स पर, राइट। दिस इज अ रेड आई फ्रॉग। नेक्स्ट फीचर इज, नेक्स्ट इज, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, आई हैव टोल्ड यू ना, अ न्यू वर्ल्ड मंकी, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में आप देखो कि इस मंकी का जो टेल है बहुत ज्यादा क्या है, लॉन्ग है। अपनी लॉन्ग टेल की वजह से ये ब्रांचेस को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते, पकड़ लेते हैं और हेल्प करते हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज पर। इनके जो हैंड्स होते हैं और जिनकी फिट होती है वो ट्रीज को बहुत जल्दी और ब्रांचेस को होल्ड करने में हेल्प करती है, राइट। कम टू द नेक्स्ट, टुकेन, लुक एट द पिक्चर ऑफ टुकेन। सी हाउ लॉन्ग एंड लार्ज बीक ऑफ टुकेन। बेटा इसकी जो लॉन्ग बीक जो होती है, लार्ज और लॉन्ग क्यों होती है, जिससे ये फूड को, फ्रूट्स को इजिली क्या कर सके, ईट कर सके, ठीक है, और अपने आप को इजिली क्या कर सकता है, ये ईट कर सकता है यहाँ पर। और वन मोर थिंग कि इट हेल्प्स अ टुकेन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस। ये ब्रांचेस पर जो फ्रूट्स होते हैं उस पर रीच करने में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा? इंसेक्ट्स को भी ये ईट करते हैं, समटाइम्स दे ईट इंसेक्ट्स। दिस इज द टुकेन बट कम टू द नेक्स्ट, लॉयन टेल्ड मकाओ। लुक एट द पिक्चर ऑफ लॉयन टेल्ड मकाओ। दिस इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ लॉयन टेल्ड मकाओ विच इज नॉट प्रॉपरली विजिबल इन योर एनसीईआरटी बुक। इट इज जस्ट लुक लाइक अ लॉयन ना। Look, their beard. Yes, ma'am. It is white, yes, silver colored, and its face is surrounded by a whole white, silver colored mane. Mane means dadi, beard. And I have told you, na, they spend most of their time on the trees because most of the food get from the trees. Sometimes, rarely, it comes on the ground for finding insects. Are you getting my point? Because of their face structure. Just like loin, that's why we called it what? Loin-tailed macaw. And the other name of loin-tailed macaw is, can you tell me what is the another name of loin-tailed macaw? Can I? Yes, bataiye. Ma'am, beard app. Very good. What's your name? Arjun. Arjun. Beta, बहुत अच्छा बताया है आपने कि बियर्ड जो लॉयन टेल मकाओ है उसमें क्या होता है, उसका नाम क्या है, सेकंड बियर्ड ऐप है। जनरली कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इनकी सिल्वर व्हाइट कलर की मेन होती है, पूरे फेस पर के चारों तरफ ये सराउंडिंग होता है और अच्छे क्लाइंबर है। ये क्या है, अच्छे क्लाइंबर है, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना लाइफ का ट्री पर स्पेंड करते हैं। क्या ईट करते हैं, फ्रूट्स को, सीड्स को, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स। ये इंसेक्ट्स को भी सर्च ईट करते हैं अंडर द बार्क, जो तने के बार्क के अंदर होता है ट्रीज में, क्योंकि बहुत रेयरली ग्राउंड पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है उसको ट्रीज पर मिल जाता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लुक एट द पिक्चर अगेन, बियर्ड ऐप। कम टू द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज एलिफेंट। What you have observed in the elephant have a modified teeth known as tusk, a long tongue, a long trunk which is used as a nostril, and have a strong sense of smell, and have a pair of ears which acts like a fan and have to keep them cool during the hot climate, right? So look at their adaptation. Hanji. Three points, remember, first is trunk, second is tusk, and third is large ear. You can easily write in your own words, what is the function of trunk? Trunk is act like a nose, have a strong sense of smell, used for picking up food. Tusk is modified teeth. Jo kya karta hai, bar karne mein, tear karne mein, faadne mein help karta hai, trees ko, jo trees ke bar inko pasand hote hain. Third, have a large ears. What is the role of the large ear? It can
even hear very soft sound and keep them cool in a hot and humid climate of the rainforest, right? Come to the next page. Hanji, it is a motivation quote. Never limit yourself because of other limited imagination means अपनी जो limitations अपनी अपने आप को कभी भी limit नहीं करना चाहिए दूसरों को देख के, ठीक है? जो भी आपके mind में doubts आते हैं please उनको explore करें so that we can understand what's your doubt and we can solve your problem, ठीक है बेटा? तो I hope आज की जो मैंने आपको slides समझाई हैं वो सभी को clear होंगी. अब मैं आपका 10 minutes है हमारे पास, we will take your oral test. उस ओरल टेस्ट में आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में आप आंसर्स लिखेंगे. टिल दी स्लाइड, यहाँ पर जितनी मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी. एनीवन हैव एनी डाउट कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है कहीं पर? ठीक है, तो आते हैं फिर अपने चैट बॉक्स. नहीं है तो इट्स ओके मेटा, मैं क्या करूंगी फिर. मुझे लगता है आज की रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, शायद हो गई. हाँ जी, चैट का बॉक्स का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करें, रेज हैंड करना, ठीक है? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मुझे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बताइए मैम. जैसे साउथ पोल में सिर्फ पेंगुइन होते हैं, तो हाँ जी सिर्फ पोलर बियर होते हैं, पेंगुइन नहीं होते वहां. नॉर्थ पोल में क्या होते हैं, पोलर बियर्स? नहीं बेटा, स्पेशली हमने जो बुक्स में, जो हमें बुक में पढ़ाया गया है, हमें इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है. ऐसा नहीं है कि वहां पर पोलर बियर के अलावा कोई और एनिमल्स नहीं होते, होते हैं वहां पर और एनिमल्स भी, ठीक है? क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आइए, फर्स्ट क्वेश्चन को चैट बॉक्स में आंसर देंगे फटाफट से. पहला क्वेश्चन है, एनी बर्ड बताइए विच इज फाउंड इन पोलर रीजन. राइट इट इन चैट बॉक्स फास्ट. पोलर रीजन में कौन सा बर्ड पाया जाता है? मेरे पास अभी तक अर्जुन शर्मा का आंसर आ चुका है मेरे पास. मोहित, समीक्षा, श्यान, नाइटल. वेट फॉर अ मिनट बेटा. मुस्कान बताइए क्या आंसर है आपका, बताइए मुस्कान. माइग्रेटरी बर्ड में नेम तो बताइए, कौन सा माइग्रेटरी बर्ड है पोलर रीजन में, बताइए. आई एम चेकिंग द आंसर. यहाँ पर आ गया देवांश कुमार, गौरव यादव, मनन प्रताप सिंह, यश कुमार, ठीक है? इन सभी के आंसर आ गए हैं यहाँ पर. तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि मैं आपको शो कर देती हूँ किन किन बच्चों के आंसर आ रहे हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. यस, हाँ जी. तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा, मैं आंसर भी बता देती हूँ किस किस बच्चे के आंसर आ रहे हैं. दीक्षा कौशिक के आ चुका है आंसर यहाँ पर, मयंक अहलावत का आंसर आ गया है, पूनम का आ गया है, राइट? सभी बच्चों का सही है, अधर्व का आ गया है, गौरव यादव का. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए फटाफट से, कौन सा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, क्लाइमेट और वेदर? विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज मैम? वेदर. क्लाइमेट, वेरी गुड. आपने तो आपका चैट बॉक्स, वेरी गुड बेटा. तो ये आंसर आ गए हैं, वेदर, तिथि खोकर, जी आई यादव, देवांश कुमार. ओके गुड बेटा, वेदर आंसर है इसका. मैम आंसर इज वेदर. Yes, yes, right. Weather. Okay. Name an instrument which is used to measure humidity. फटाफट से. Name an instrument which is used to measure humidity. Humidity को measure करने के लिए कौन सा instrument? हाइग्रोमीटर. बेटा आपका चैट बॉक्स नहीं आ रहा. हाइग्रोमीटर. What's your name? Right. नहीं आ रहा चैट बॉक्स. हाइग्रोमीटर. नहीं आ रहा. ओके मैम, आंसर हाइग्रोमीटर. लिसन लिसन, आपका अगर चैट बॉक्स नहीं आ रहा है तो आप रेज हैंड करें, मैं रेज हैंड के वहां से पूछ लूंगी, ठीक है? आप ऐसे ही रेंडमली ना बोलें.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेन गॉज. अंजलि महावल ने लिखा है लाइटोमीटर. हाइटोमीटर तो गलत है भाई. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल. रेनफॉल को मेजर रेन गॉज. अभी आपको मैंने क्या बताया था, रेज हैंड करना है ना, बताया ना मैंने अभी आपको. फिर ओके मैम. हाँ जी ओके ठीक है. रेन गोज आ चुके हैं आंसर, आपको विजिबल होगी स्क्रीन पे जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं. ठीक है, यश कुमार, प्रियांशी, भविष्य, शौकीन, मयंक यादव, विनीशा. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. टेल मी हु रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. हु रिकॉर्ड वेदर एवरी डे. हु विच पर्सन रिकॉर्ड वेदर एवरी डे. मयंक आप बताइए, और जिनको आंसर पता है वो अपने चैट बॉक्स में लिखे. मयंक बताइए हु रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मानव यादव आपने रेज हैंड किया हुआ है. मैं मयंक कह रहा हूँ. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, अ पर्सन हु रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. दक्ष यादव, अ पर्सन हु रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मैम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. बेटा आई एम आस्किंग द पर्सन. मैम यस आई एम चेकिंग इन चैट बॉक्स. अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स वेदर एवरी डे. मेट्रोलॉजिस्ट. ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट आपका सही. अगर पर्सन पूछा जाता है तो आप लिखेंगे मेट्रोलॉजिस्ट. एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं समझा देती हूँ, सुनो ध्यान से. एक टॉपिक है हाइबरनेशन. बेटा हाइबरनेशन क्या है? एक डीप स्लीप है, लंबी नींद, जहां पर बहुत से एनिमल्स होते हैं लाइक पॉलर बियर. वो लंबी नींद में चले जाते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, और सर्वाइव करते हैं विंटर में बिना फूड के, विदाउट ईटिंग मच. ठीक है, बिना फूड के वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं. राइट बेटा, एंड यहाँ पर हम स्टॉप कर